आज हम बनाएंगे घर पे रखे हुए बेसिक सामान से सब्जियाँ। जब आपको कोई सब्जी ना समझ में आए तो आप इस तरह से घर पे रखे सामान से ही सब्जियाँ बना सकते हैं। सबसे पहले बनाते हैं हम बेसन गट्टे की सब्जी। बेसन गट्टे की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुल 2 कप बेसन लिया है, लेकिन पहले मैंने यहाँ पर 1 कप बेसन लिया है, 1/2 कप दही डाला है और साथ ही इसके 1/2 कप तेल डाला है। इसमें साबुत धनिया, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, अजवाइन, हींग और कसूरी मेथी डाली है। आप 1 कप बेसन से भी बना सकते हैं, तो इसके लिए 1 कप बेसन डालने पर 1/4 कप दही डलेगा और 1/4 कप तेल डलेगा। गट्टे बनाते समय अजवाइन जरूर डालेंगे क्योंकि इसका टेस्ट तो अच्छा लगता ही है, साथ ही ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है। अच्छे से मिक्स करने के बाद हथेली पर थोड़ा सा तेल लेकर हम गट्टों को इस तरह से बनाएंगे, लंबे लंबे रोल बनाएंगे इस आटे से। और इसके बाद कढ़ाई में गर्म पानी होने के बाद इन गट्टों को डाल देंगे और पकने देंगे हाई फ्लेम पर। इस तरह से बेसन के 2 कप से 4 गट्टे के रोल बनते हैं। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार बेसन को ले सकते हैं। लगभग 10 मिनट इन गट्टों को पकने देंगे और इस तरह से बबल्स आने के बाद इसका मतलब यह है कि गट्टे पक चुके हैं पूरी तरह से। अब हम गैस को बंद कर देंगे और गट्टों को ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसके बाद अब हम ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 टमाटर लिए हैं, 2 हरी मिर्ची और अदरक, साथ ही कुछ खड़े गर्म मसाले लिए हैं। खड़े गरम मसाले आपको जो पसंद है आप वो डाल सकते हैं। और इसके बाद अब हम लेंगे दही। दही लगभग 1/2 बाउल है, इसे फेंट कर ही लेना है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे, धनिया, मिर्ची, हल्दी और नमक। गरम मसाला भी डाल सकते हैं। इन मसालों को दही में अच्छे से मिक्स करना है। और इसके बाद अब गैस ऑन करके कढ़ाई में 1/4 चम्मच तेल डालेंगे। तेल के गर्म हो जाने के बाद इसमें जीरा डालेंगे और इसके बाद तेज पत्ता डालेंगे और जो हमने टमाटर पीस के रखे थे वो डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही खड़ी लाल मिर्च डालेंगे, नमक डालेंगे और थोड़ा सा पकने के बाद इसमें दही वाले मसाले डाल देंगे और 5 मिनट इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे। गट्टे भी अब ठंडे हो चुके हैं, इन्हें प्लेट में रखेंगे और देखिए पानी इसका गाढ़ा हो चुका है। ये पानी हम बाद में ग्रेवी में यूज करेंगे। इन रोल को छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे। ये देखिए कितने सॉफ्ट लग रहे हैं ये गट्टे। आई होप आपको रेसिपी जरूर पसंद आ रही होगी, तो एक लाइक तो बनता है। आप भी जरूर इस तरह से गट्टे की सब्जी दही के रसे में बना के देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपकी सब्जी कैसी बनी है। ये देखिए अब टमाटर पक चुके हैं अच्छे से। अब हम गट्टे वाला पानी इसकी ग्रेवी में डाल देंगे, इसके साथ ही कसूरी मेथी भी डाल देंगे और थोड़ा सा पानी मैंने यहाँ जार से घुमाकर डाला है। 5 मिनट से ढक कर लो फ्लेम पर पकने देंगे या तेल छूटने तक इसे पकने देंगे। और उसके बाद अब हम इसमें छोटे छोटे पीस किए हुए गट्टे डाल देंगे। गट्टे डालने से ग्रेवी थिक हो जाती है क्योंकि ये गट्टे ग्रेवी को पी लेते हैं। ये सब्जी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, आप इसे रोटी या पराठे के साथ खा सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसमें थोड़ी सी हल्दी डाली है क्योंकि इसका कलर कम लग रहा था। ये देखिए अब सब्जी में तेल भी छूट गया है और गट्टे भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसके बाद इसमें हरी धनिया डालकर इसे सर्विंग बाउल में डालेंगे। यदि आप कुछ सजेशन देना चाहें तो प्लीज़ उसके लिए कमेंट करें। आई होप आपको घर पे रखे हुए सामान से ये बनी हुई सब्जी जरूर पसंद आई होगी। अब हम बना रहे हैं पापड़ की सब्जी। ये सब्जी भी खाने में टेस्टी लगती है और जल्दी से बन जाती है। आप कोई भी पापड़ से सब्जी बना सकते हैं और पापड़ तो हमेशा घर पे रखे रहते हैं। मैंने यहाँ पर 2 जैन पापड़ लिए हैं, आप कोई भी पापड़ ले सकते हैं। और गैस ऑन करके लो फ्लेम पर इन पापड़ को सेकना है। पापड़ को तवे पर सेकने से सब्जी का स्वाद बढ़ जाता है और बच्चे तो इसे बार बार मांग कर खाते हैं। यदि कोई सब्जी ना समझ में आए तो आप इस सब्जी को जरूर ट्राई करिएगा। आप भी पापड़ की सब्जी को इसी तरह बना के देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि सब्जी कैसी बनी है आपकी। पापड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में पीसेस करके रखेंगे। ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में पापड़ को कर लेंगे। और उसके बाद अब हम लेंगे 2 प्याज, जिन्हें थोड़ा मोटा मोटा काटेंगे, एकदम बारीक नहीं काटना है प्याज को। प्याज, अदरक और हरी मिर्ची, लहसुन इसको इस तरह से काट कर रखेंगे। और इसके बाद अब हम मसाला तैयार करेंगे। मसाला तैयार करने के लिए धनिया, मिर्ची, लाल मिर्च पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च और नमक लेंगे। और इसके बाद हम लेंगे घर का जमा हुआ ताज़ा दही 1 बाउल और उसे इस मसाले में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के लिए विस्कर की हेल्प से इसे मिक्स करेंगे या आप चम्मच से इसे अच्छे से मिक्स करें ताकि इसमें कोई लम्स ना हो। गैस ऑन करके कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। तेल के गर्म होने पर राई, जीरा, तेजपत्ता, सौंफ, हींग सब डालेंगे। आपको जो मसाला खड़ा डालना है वो डालें। और इसके बाद अब हम कटा हुआ प्याज डालेंगे। इसके साथ ही लहसुन, हरी मिर्ची और अदरक भी डाल देंगे जो हमने चॉप करके रखी थी। बीच बीच में से चलाते जाएंगे, फ्लेम को मीडियम टू हाई रख सकते हैं।
अब हम इसमें 2 लाल मिर्च साबित डालेंगे। हम पहले भी डाल सकते थे लेकिन पहले जलने का डर रहता है, इसीलिए मैंने बाद में डाला है इसे लाल मिर्च को। ये देखिए अब प्याज भी भुंजता जा रहा है, लगभग प्याज भुन चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे लेकिन फ्लेम को लो करेंगे, उसके बाद ही पानी को डालेंगे। अब इसे 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे और इसके बाद दही वाले मसाले में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। यदि आपका दही पतला है तो आप पानी ना डालें, और यदि दही थिक है तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको प्याज वाले मसाले में डाल देंगे। अब इसे लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए पकने देंगे या जब तक तेल ना निकल जाए तब तक पकाएंगे इसे। ये देखिए ग्रेवी पक गई है, ग्रेवी थिक लग रही है, तो मैंने इसमें बॉईल करके पानी डाला है। यदि आप इसी तरह से चाहते हैं तो आप पानी ना डालें, और इसके बाद पापड़ डालेंगे तो पापड़ भी इसका रस ले लेंगे, इसीलिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बॉईल करके पानी डाला है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच नमक डालेंगे और इसके बाद इसे पकने देंगे 5 मिनट के लिए। इसमें किचन किंग मसाला या गरम मसाला डालेंगे और इसके बाद इसे और अच्छे से पकाएंगे, और इसके बाद कसूरी मेथी डालेंगे थोड़ी सी। ये देखिए अब इसका कलर भी आ गया है, तेल भी निकल गया है। अब हम इसमें टुकड़े किए हुए पापड़ को डालेंगे। पापड़ डालने से ग्रेवी थिक हो जाती है, और दही के साथ ये ग्रेवी बनाओ तो बहुत ही ज़्यादा स्वाद आता है पापड़ डालने से। जब आपको कोई सब्जी ना समझ में आए या घर पे कोई सब्जी ना हो तो पापड़ की सब्जी आप इस तरह से बना सकते हैं। ये खाने में तो टेस्टी लगती ही है और बन भी जल्दी जाती है। सब्जी बन गई है, गैस को हम बंद कर देंगे और इसके बाद इसे सर्व करेंगे। इस सब्जी को आप रोटी या पराठे के साथ खा सकते हैं। ये सब्जी चावल के साथ भी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। हरी धनिया डालेंगे ऊपर से। अब हम बनाते हैं अगली सब्जी जो कि ककड़ी बेसन की सब्जी है। जब कोई सब्जी ना समझ में आए तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। ये सब्जी खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती है, साथ ही झटपट बन जाती है। 2 रोटी की जगह आप 4 रोटी खा लेंगे जब इस तरह की सब्जी बनाकर खाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं झटपट से बनने वाली टेस्टी सब्जी ककड़ी बेसन की सब्जी। ककड़ी बेसन की सब्जी बनाने के लिए 1 हम खीरा लेंगे, इसे धोकर छील लेंगे अच्छे से। इस खीरे के टॉप और एंड कॉर्नर को अच्छे से काट के घिस लेना है, और साथ ही ककड़ी को भी टेस्ट करके देखना है कि यह कड़वी तो नहीं है। यदि आपने चक्के नहीं देखी और ककड़ी को ऐसे ही डाल दिया सब्जी में तो पूरी सब्जी कड़वी हो सकती है। अब एक प्याज को छील कर धो लेंगे अच्छे से, और इसके बाद इसे काट लेंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा मोटा नहीं काटना है और ना ही बारीक काटना है। प्याज को आप लंबा भी काट सकते हैं जिससे सब्जी का टेस्ट बढ़ जाता है। ये सब्जी इतनी झटपट बन जाती है कि अचानक मेहमान आ जाएं तो आप इस सब्जी को जरूर ट्राई कर सकते हैं। अब हम 2 हरी मिर्ची को लेंगे जिसे धोकर इस तरह से काट लेंगे बारीक। यदि आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप हरी मिर्ची ज़्यादा लें, क्योंकि इसमें लाल मिर्च नहीं डलेगी, हरी मिर्ची ही डलेगी। अब हम गैस ऑन करके कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। तेल के गर्म हो जाने के बाद इसमें 1/2 चम्मच राई, 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे, साथ ही थोड़ी सी हींग भी डालेंगे। 5 से 6 पत्ते मीठी नीम के डालेंगे। इसके साथ ही बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे और हरी मिर्ची को भी डालेंगे। इसे लो फ्लेम पर अच्छे से पकाना है 1 मिनट के लिए। अब हम इसमें थोड़ी सी साबित धनिया और थोड़ी सी मेथी दाना डालेंगे। ये देखिए लहसुन और हरी मिर्ची पक गई है। अब हम इसमें प्याज कटा हुआ डालेंगे। इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर भूनेंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। अब हम इसमें अदरक का 1 इंच टुकड़ा लेंगे और इसे ग्रेट करके डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्लेम को लो कर देंगे। जब तक प्याज पके तब तक हम इस ककड़ी को ग्रेट कर लेते हैं। आप इसमें अदरक, हरी मिर्ची, लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। प्याज भी थोड़ा पक गया है, ये देखिए इस तरह से, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच नमक डालेंगे और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। इसके बाद अब हम डालेंगे ग्रेट की हुई ककड़ी को। इसके पानी सहित ही डालना है, पानी नहीं निकालना है ककड़ी का। अच्छे से मिलाकर इसे 1 मिनट तक पकने देंगे। खीरा ग्रेट किया हुआ होता है तो ये जल्दी से पक जाता है। अब हम इसमें 3 चम्मच बेसन के डालेंगे। इसे लो फ्लेम पर अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 मिनट और पकने देंगे। ये सब्जी झटपट बन जाती है। बच्चे जब सब्जी खाना नहीं पसंद करते तो आप तुरंत भी इस सब्जी को बनाकर खिला सकते हैं बच्चों को। ये सब्जी गर्म गर्म इतनी स्वादिष्ट लगती है। अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच पानी डालेंगे। पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 मिनट इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे। आप भी ककड़ी बेसन की सब्जी को जरूर बनाकर देखिएगा। सब्जी बन गई है। अब हम इसमें हरी धनिया डालेंगे और इसके बाद अब गैस को बंद कर देंगे। फ्लेम को ऑफ करने के बाद इसमें लेमन जूस डालेंगे। लेमन जूस मैंने यहाँ पर 1/2 चम्मच डाला है। आप यदि खट्टा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब इसके बाद इसमें कुछ पुदीने की पत्तियाँ भी काट कर डालेंगे और इसके बाद सर्विंग डिश में डालेंगे सब्जी को। यदि आप चाहें तो इसमें चाट मसाला या गरम मसाला भी डाल सकते हैं। तो है ना कितनी आसान सी ककड़ी बेसन की सब्जी मिनटों में बनने वाली।
इस सब्जी को रोटियां पराठे के साथ सर्व करेंगे। तो लीजिए, तैयार है हमारी ककड़ी बेसन की स्वादिष्ट सब्जी, जो कि झटपट बन जाती है। सिंपल टेस्टी मिनटों में बनने वाली ककड़ी बेसन की सब्जी खाइए और खिलाइए और तारीफ पाइए। यदि आप कुछ सजेशन देना चाहें तो प्लीज़ कमेंट करें। अब हम बनाएंगे बेसन प्याज की सब्जी और ज्वार की रोटी। प्याज तो वैसे भी घर पे रखे ही रहते हैं। बेसन प्याज की सब्जी मिनटों में बन जाती है और ये ज्वार की रोटी के साथ इतनी स्वादिष्ट लगती है कि सभी लोग बार बार मांग कर खाते हैं, और साथ में दही हो तो कहना ही। आई होप आपको इस तरह के कॉम्बिनेशन की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, बेसन प्याज की सब्जी और ज्वार की रोटी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ज्वार की रोटी के लिए आटा लगा लेते हैं। सबसे पहले गैस ऑन करके एक कप पानी डालेंगे, उसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे। पानी के गर्म होने के बाद गैस को बंद कर देंगे और उसके बाद एक कप ज्वार का आटा डालेंगे। यदि आप इसी परफेक्ट नाप से ज्वार की रोटी बनाएंगे तो ज्वार की रोटी बनने में बहुत ही आसान, बेलने में भी बहुत आसान रहेगी और सेकने में भी बहुत आसान रहेगी। गुथे हुए आटे को ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसके बाद अब हम तीन प्याज लेते हैं, दो तीन हरी मिर्ची और एक अदरक का टुकड़ा लेते हैं। प्याज को छीलकर इस तरह से लंबे लंबे टुकड़ों में काटेंगे। आप ज़्यादा प्याज भी ले सकते हैं और दो से तीन हरी मिर्ची को भी इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। प्याज को भी इस तरह से कली कली कर देंगे, या जैसे लच्छे प्याज होते हैं वैसे कर लेंगे, जिससे बेसन इन प्याज में अच्छे से रैप होगा और सब्जी भी टेस्टी बनेगी। ज्वार का आटा जो हमने लगा के रखा था पानी में, अब थोड़ा ठंडा हो गया है। अब इसमें एक चम्मच घी डालेंगे और इसे अच्छे से स्मूथ होने तक गूंथेंगे। ये देखिए, आटा अच्छे से गूंथ गया है और स्मूथ भी हो गए हैं। अब हम इसे ढक कर रख देते हैं और हम सब्जी बनाते हैं। गैस ऑन करके कढ़ाई में 1/3 कप तेल या 85 ml तेल डालेंगे। यदि आप मीडियम साइज के प्याज लेते हैं तो इतना तेल डलेगा। तेल के गर्म हो जाने के बाद आप जो डालना चाहें डालें, जिसमें मैंने यहाँ पर राई, जीरा, सौंफ, साबित धनिया, हरी मिर्ची डाली है, दो साबित लाल मिर्च भी डालेंगे, और इसके बाद हमने जो काटी थी प्याज वो डालेंगे। प्याज को हाई फ्लेम पर ही पकाना है और बीच बीच में इसे चलाते भी जाएंगे। हम इसे ढक कर भी पका सकते हैं। यदि प्याज को लो फ्लेम पर पकाएंगे तो प्याज पानी छोड़ने लगेगी, इसीलिए फ्लेम को हाई रखना है और ढक कर पकाना है और बीच बीच में चलाते भी जाएंगे। प्याज का कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना है, इसे सिर्फ हल्का सा भूनना है, कच्चापन जैसे इसका निकल जाए। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और यदि रेसिपी पसंद आ रही है तो एक लाइक तो बनता है। प्याज हल्की सी भुन चुकी है, अब हम इसमें मसाले डालेंगे। हल्दी आधा चम्मच डालेंगे, धनिया पाउडर एक चम्मच डालेंगे और लाल मिर्च पाउडर भी एक चम्मच डालेंगे, या अपने टेस्ट के अनुसार आप डाल सकते हैं। मसाले डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छे से मिलाकर इसे 2 मिनट ढक कर पकाएंगे। ये देखिए, प्याज भी सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें अदरक ग्रेट करके डालेंगे, जो अदरक हमने पहले से छील के रखी थी। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद अब हम डालेंगे बेसन। बेसन 1/3 कप है, ये वही कप है जिससे हमने तेल नापा था। जितना तेल डालते हैं उतना बेसन डालेंगे, आप कम भी डाल सकते हैं, या हम जितने प्याज लेते हैं उतने चम्मच बेसन डालेंगे। बेसन कम डालने से प्याज एकदम लच्छेदार दिखती है। सब्जी बन गई है। कसूरी मेथी डालकर गैस बंद कर देंगे और ढक कर रख देंगे। तो चलिए अब हम ज्वार की रोटी बनाते हैं। इस साइज की लोई लेंगे और इसमें सूखा आटा लगाएंगे दोनों साइड से, और पट्टे पर रखकर रोटी की तरह इसे बेल लेंगे। यदि हमें परफेक्ट रोटी की तरह गोल चाहिए तो हम इसे ढक्कन से काट लेंगे। आपको जिस साइज की रोटी चाहिए उस साइज का ढक्कन लेकर आप इस रोटी पर रखकर इस तरह से काट सकते हैं, जिससे परफेक्ट रोटी बनती है एकदम गोल, और ये रोटी दिखने में भी अच्छी दिखती है। इस तरह से पतली रोटी बेल लेंगे और ढक्कन के बाद एक्स्ट्रा पार्ट को हटा देंगे। तवे को पहले से ही गरम कर देंगे। गरम तवे पर रोटी डालने से बहुत अच्छी तरह से सिक जाती है। थोड़ा सा तेल फैलाकर तवे पर और रोटी को डालेंगे और सिकने के बाद इसे पलट देंगे। 2 से 3 बार इसे उलट पलट करेंगे। आप इसे गैस पर भी सेक सकते हैं। आधी रोटी तवे पर सेकने के बाद आप गैस पर भी सेक सकते हैं, या फिर इसे पराठे की तरह तेल डालकर या घी डालकर दोनों तरफ से सेक सकते हैं। इस तरह से बनी रोटी या पराठा बहुत ही क्रिस्पी लगता है और इस सब्जी के साथ ही बहुत टेस्ट आता है इसका। मैंने इसे पराठे की तरह सेका है दोनों साइड से तेल लगाकर, और बाद में घी लगाया है इस पराठे पर। बाकी सभी ज्वार की रोटियां इसी तरह से सेक लेंगे और प्याज की सब्जी के साथ सर्व करेंगे, और साथ में दही को भी सर्व करेंगे। आई होप आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
आप भी बेसन प्याज की सब्जी और ज्वार की रोटी जरूर बनाकर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपकी कैसी बनी है सब्जी और रोटी। यदि रेसिपीज को लेकर आपको कुछ सजेशन देना है तो प्लीज़ कमेंट करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब हम बनाएंगे दही आलू की सब्जी। जब कोई सब्जी ना समझ में आए तो आप दही आलू की सब्जी को ट्राई कर सकते हैं। ये सब्जी बनने में तो आसान है, झटपट बन जाती है और टेस्टी भी बहुत लगती है। इसके लिए मैंने यहाँ पर अदरक, हरी मिर्ची, लहसुन और कुछ खड़े गरम मसाले खलबट्टे में कूट लिए हैं। यदि आप अदरक, हरी मिर्ची, लहसुन और खड़े मसालों को कूट कर डालेंगे तो इसका टेस्ट ही अलग आता है। मैंने यहाँ पर अदरक 1 इंच टुकड़ा, हरी मिर्ची 2 से 3 और लहसुन 4 कली ली है और इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और इलायची ली है। आप यहाँ पर कुछ और भी खड़े मसाले ऐड कर सकते हैं, जैसे जावित्री, चक्रफूल आदि। ये देखिए, इस तरह से क्रश कर लेंगे। उसके बाद गैस को ऑन करके कढ़ाई में 2.5 से 3 चम्मच तेल डालेंगे। तेल के गर्म हो जाने के बाद 1 तेज पत्ता डालेंगे और फ्लेम को लो कर देंगे, क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे, 1/2 चम्मच साबुत धनिया डालेंगे और 2 पिंच हींग डालेंगे। इन मसालों को चटकने के बाद हमने जो क्रश किए हुए अदरक, हरी मिर्ची, लहसुन का पेस्ट है वो डालेंगे इसमें और इसे अच्छे से भूनेंगे। लो फ्लेम पर ही इसे भूनना है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और रेसिपी पसंद आ रही है तो 1 लाइक तो बनता है। इन्हें भूनने के बाद इसमें 4 से 5 कड़ी पत्ते डालेंगे। कड़ी पत्ते आप पहले भी डाल सकते हैं। और इसके बाद मैंने यहाँ पर 4 आलू उबले हुए लिए हैं। आलुओं को काटना नहीं है, इसे मैश करके डालना है, हाथों से मैश करना है। आप आलू को यदि तुरंत उबाल लेते हैं तो इससे मैश भी अच्छे से हो जाते हैं, लेकिन रखे हुए आलू के टुकड़े ज़्यादा दिखते हैं, मैश नहीं होते हैं अच्छे से। इसीलिए तुरंत उबाल कर ही आलू लें तो ज़्यादा अच्छा है। आलू को अच्छे से मैश करने के बाद इन्हें अच्छे से मिक्स करना है। फ्लेम को मीडियम टू हाई करते जाएंगे बीच बीच में। आलुओं को 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। इसके बाद अब हम इसमें मसाले डालेंगे। इसमें हल्दी 1/2 चम्मच डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच डालेंगे, सूखी धनिया पाउडर 1/2 से 1 चम्मच डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर 1 चम्मच नमक डाला है। इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट तक इन्हें पकने देंगे। फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखेंगे। ये देखिए, अब आलू भी अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इसमें 2 साबुत लाल मिर्च डालेंगे। साबुत लाल मिर्च पहले डालने से वो जल सकती है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इन्हें बाद में डाला है। ये देखिए, आलू बहुत अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम इसमें 2 कप पानी डालेंगे। आप पानी की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। फ्लेम को हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पर इन्हें अच्छे से पकाएंगे। आप 1.5 कप पानी भी डाल सकते हैं। इसमें बाद में दही डालने से रसा गाढ़ा हो जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 कप पानी डाला है। खलबत्ते में भी पेस्ट लगा हुआ था तो थोड़ा सा उसमें से भी पानी घुमाकर डाला है। अब ढक कर 5 मिनट से लो फ्लेम पर पकने देंगे। ये देखिए, तेल भी छूट गया है सब्जी का। अब हम दही लेंगे। दही को विस्कर की मदद से विस्क कर लेंगे। दही को फेंट कर डालने से सब्जी का टेस्ट बढ़ जाता है। ये देखिए, अब सब्जी में भी उबाल आ गया है, तेल भी इसका छूट गया है। अब हम इसमें दही डालेंगे, लेकिन उसके पहले हम गैस को बंद कर देंगे। गैस के बंद करने के तुरंत बाद भी दही नहीं डालना है, उसके 1 मिनट के बाद ही दही डालना है। सब्जी बहुत ज़्यादा गर्म हो तो उसमें दही फटने का भी डर रहता है। अब हम इसमें दही डालते हैं और दही डालकर इसे लगातार चलाते जाना है। आप भी दही वाले आलू बनाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपकी सब्जी कैसी बनी है। बच्चे तो इसे मांग मांग कर खाएंगे आपसे, और यही सब्जी पूड़ी या रोटी पराठे सभी के साथ अच्छी लगती है खाने में। अब गैस को ऑन करके 5 मिनट इसे लो फ्लेम पर पकने देंगे। बीच बीच में फ्लेम को मीडियम टू हाई कर सकते हैं। इसे ढक कर 5 मिनट अब लो फ्लेम पर पकने देंगे, ताकि दही का कच्चापन भी निकल जाए इसमें से। आई होप आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सब्जी को बीच बीच में चलाते भी जाना है। यदि आपको रसा पतला लग रहा है तो आप पानी कम डालें, और यदि इस सब्जी को पूरी के साथ खाते हैं तो थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा हो तो टेस्ट अच्छा आता है। इसे 5 मिनट लो फ्लेम पर पकाने पर भी ग्रेवी थोड़ी थिक होती है। ये देखिए, इसे 5 मिनट लो फ्लेम पर पकाने पर इसकी ग्रेवी थोड़ी थिक हो गई है। तो लीजिए, तैयार है झटपट से बनने वाले दही वाले आलू की सब्जी। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए इसे आप चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। रोटी या पूड़ी, सब पराठा, इन सभी के साथ इस सब्जी को खाने का अलग ही स्वाद आता है।
रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ आप वीडियो को जरूर लाइक करें और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धनिया और कसूरी मेथी डालकर इसे सर्व करेंगे। तो देखिए, देखते ही मुँह में पानी आ गया। यदि आप इस तरह से कसूरी मेथी को सब्जी के ऊपर स्प्रिंकल करेंगे तो सब्जी का स्वाद बढ़ जाता है।